फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत चांबे हमसे जी सर का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम सर गुजर है? अच्छा, मेरा नाम रजनी है, मैं गंगानगर से हूँ और मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ। मैम डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो? मतलब 2016 से आप जुड़े हो तो कैसा माहौल देखा है आपने? मैंने जितना भी देखा है मैंने बहुत अच्छी इनसे शिक्षाएं ली जी, जो कि हमें बाहर से नहीं मिलती, जो मैंने यहाँ से सीखा है। इतना तो हमें ज्ञान माँ बाप भी नहीं देते जितना इन्होंने दिया। मैम कुछ संत जी ने किया है समाज के लिए? उन्होंने जो किया उनका तो देन दे ही नहीं सकते हम लोग। उन्होंने जैसे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, जैसे गर्मी आ रही है ठीक है, हमें कहीं हमें हमारे शायद पेरेंट्स ने भी ना बताया होगा कि हमें पक्षियों को दाना डालना चाहिए, पानी रखना चाहिए। ये एक ऐसा दान है जो कोई नहीं करता। हम लोग खाना खाते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, खुद के बारे में सोचते हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी शिक्षाएँ दी है। इन्होंने देखो जिनके अपंग लोग हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग करवा रहे हैं शादी। ऐसी ऐसी शिक्षाएँ जो हम बता नहीं सकते, अपनी जुबान से कह नहीं सकते कि क्या हम इनसे कितनी शिक्षा ले रहे हैं। कैसे भी है जैसे कि अवैशा के साथ साथ शादियाँ करवा रहे हैं। क्राउन आज के समाज में हर कोई बस अपने लड़कों को ही आगे देता, जबकि पिताजी ने हमेशा लड़कियों को सबला बनने के लिए कहा है और उनका ही प्रोत्साहन किया है। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। पिताजी ने अब तो जिनके दो बेटियाँ हैं उनको एक मतलब कि वो क्राउन भी दिया हुआ है, उनका क्राउन बनाया, उनकी शादियाँ करवा के, मतलब बहुत सी ऐसी है हम बता नहीं सकते। मैम आप कहते हो कि संत जी ने इतना सारा कार्य करे, फिर आखिर उन पे इतने एलिगेशंस क्यों? वो तो देखो जी, आप सीता पे भी तो इतने एलिगेशन लगाए थे, फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो मानते जिन्हें सच का पता है वो तो अब उन्हें पता है सच है सही है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। जीते जी तो नहीं छोड़ेंगे। संत जी आज समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज के ऊपर संत जी के ना होने का? समाज में देखो आज बाल जैसे कि बलात्कार हो रहे हैं, नशा चल रहा है, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएँ हो रही हैं, छोटे छोटे आम देखते हैं हमारी नज़रों के सामने सब कुछ होकर, पर फिर भी हम कदम नहीं उठाते उनके बारे में। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम क्या अपील कर सकते हैं, उनसे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर महिला सुरक्षित है और साथ ही सरकार से अपील है कि संत जी को भेज दिया जाए, क्योंकि जो देश की हालत है वो शायद जो पहले थी वो अभी नहीं रह चुकी है। जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है और संत जी अपने सत्संग के माध्यम से काफ़ी नशा वैश्यवृत्ति को छुड़ाया करते थे, जिससे लाखों लोगों का जो नशे का कारोबार भी है बंद हो चुका था और अब यहाँ पर जगह जगह ठेके देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत